हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, पिछले वीडियो में आप लोग बस लौकी का इतना ही ड्राइंग देखे हो, और अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना। तो इस वीडियो में पूरे ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो हेयर्स में देख रही हो थोड़ा ब्राउन कलर भी है, तो उसके लिए मैं डार्क ब्राउन से पहले हेयर्स के स्ट्रोक्स को दूंगी। ऐसा करके हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए पहले आपको ऐसे ही स्ट्रोक्स को देना होगा। अगर ऐसे स्ट्रोक्स को नहीं दोगे तो हाइलाइट्स करने में भी प्रॉब्लम होगा बाद में। और ऐसे ब्राउन कलर से स्ट्रोक्स को देने के बाद ब्लैक कलर से स्ट्रोक्स को देना। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बोलना, मैं इसका रियल टाइम वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो रियल टाइम वीडियो भी अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी कमेंट करके बोलना। और ऐसे कलर को अप्लाई करने के बाद फिर से ब्लेंड कर देना। एंड ब्लेंड करने के बाद ब्लैक कलर पेंसिल से छोटे छोटे हेयर्स को भी ड्रॉ कर देना। और अभी हेयर्स में हाइलाइट्स देने के लिए मैं व्हाइट ऑयल पेस्टल को यूज करूंगी। तो रेफरेंस फोटो को देख के जहाँ जहाँ हाइलाइट्स है हेयर्स में, वैसे आप वहाँ पे बस व्हाइट ऑयल पेस्टल से हाईलाइट कर देना ऐसा करके। और यहाँ पर टाई में डार्क ब्राउन को यूज कर रही हूँ, और फिर साइड में हल्का करके ब्लैक कलर को यूज कर रही हूँ। एंड हाईलाइट देने के लिए मैं यहाँ पर अप्सरा का ग्लास मार्किंग व्हाइट पेंसिल को यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो व्हाइट ऑयल पेस्टल भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। एंड छोटे छोटे पार्ट्स के लिए आप कलर पेंसिल को यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर पेंसिल को यूज कर रही हूँ। और अभी ड्रेस के लिए आप लोग पहले डार्क ब्राउन कलर को अप्लाई करना, एंड देन फिर से ब्लेंड कर देना। एंड ब्लेंड करने के बाद आप लोग ऑयल पेस्टल में देखना, येलो ओका नेम से इस तरीके का एक कलर है, उस कलर को ब्राउन कलर के ऊपर अप्लाई करना है। एंड रेफरेंस में देख सकते हो थोड़े बहुत ब्लैक कलर से शेड्स है, तो उसके लिए मैं ब्लैक कलर से शेड्स वगैरह दे रही हूँ। सो गाइस, अच्छे से देखो वीडियो को, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना। और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को भी कलर करूंगी। सो गाइस, कुछ इस तरीके से मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट किया हूँ। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर इस ड्राइंग का आप लोगों को रियल टाइम वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।